बरही थाना परिसर में होली मिलन सह शांति समिति की बैठक वीडियो अरुण कुमार की अध्यक्षता में की गई, जिसका संज्ञान पुलिस इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी उत्तम कुमार तिवारी ने किया। बैठक में बरही के जनप्रतिनिधि, समाज सेवी व बुद्धिजीवी उपस्थित थे। बैठक में उपस्थित लोगों ने होली जैसे लोकप्रिय त्यौहार को शांति एवं सौहार्द के साथ मनाने की बात कही। जोर देते हुए शराबियों पर अंकुश लगाने एवं फुहड़ गीतों पर भी रोक लगाने, सोशल साइट्स पर अनगलर व भड़काऊ पोस्टिंग नहीं करने की बात कही। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश ठाकुर ने कहा कि होली में शांति और भाईचारगी के साथ एक दूसरे से गले मिले और खुशियां बांटकर त्यौहार मनाएं। उन्होंने प्रशासन से होली को लेकर सघन गश्ती चलाने की बात कही, जिससे नशेड़ियों और जुआड़ियों पर नियंत्रण रखा जा सके। खबर 365 न्यूज के लिए बरही से जयदीप सिन्हा के साथ अमित सोनी की रिपोर्ट। करते हैं और इस कमेटी के माध्यम से समाज में एक अच्छा मैसेज देते हैं कि अमन शांति कैसे आगे रहे, बना हुआ रहे। हम एक बात कहना चाहते हैं कि इस कमेटी के मीटिंग में, शांति समिति के मीटिंग में बुद्धिजीवी लोग जो हैं वो अहम रोल अदा करते हैं। हमारे इस कमेटी के मेम्बरान अहम रोल अदा करते हैं, इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और बरही का एक इतिहास रहा है कि जब मुस्लिम का त्यौहार होता है तो हिंदू भाई आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, और जब हिंदू का त्यौहार होता है तो मुस्लिम भाई भी उसमें बढ़ चढ़ के त्यौहार लेते हैं। देखते हैं हमारे क्षेत्र में कि जब कहीं कीर्तन हो, यज्ञ हो या तो जलसा हो, तो दोनों कम्युनिटी के लोग मिलजुल करके समिति में और उसको देख लीजिए। हम पहुंचते अब तक तो संभालिए। इसी तरह जैसे कि आप बोले कि आप मोटरसाइकिल चेकिंग का SDO साहब की यहाँ मीटिंग का हमको वीडियो मैडम सब भेज दें कि होली के पहले और होली के बाद होली, होली के दिन पहले होली के दिन हम लोग चेकिंग लगाएंगे। रेस रहेगा कि वो जो होली का रंग का है, जो आप कह रहे हैं कि भाई ये हंसी मजाक का त्यौहार है, एक दूसरे पे रंग लगाने का, भाईचारे का, उस टाइप के जितने गाना बजाए जिससे डांस हो सकता है ना, वो एकदम आप फ्री है। लेकिन वैसा किसी भी तरह का गाना बजाना अलाउड नहीं है जो किसी भी व्यक्ति को ठेस पहुंचे, किसी भी व्यक्ति को, समाज के किसी भी व्यक्ति को ठेस पहुंचे, वैसा गाना किसी भी हाल में नहीं बजाना। आप लोगों का एक वक्ता के द्वारा भी कहा गया है जो बिजली का, तो हम लोगों का SDO सर के यहाँ भी हम लॉ एंड ऑर्डर का बैठक हो चुका है, उसमें उनको भी निर्देश दिया जा चुका है कि वो इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली निर्बाध गति से रहे, ताकि हम लोगों को भी चाहे वो त्यौहार मनाने में या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में, दोनों में हम लोगों को सहायता मिले। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज, साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।